जय हिंद साथियों, मैं सूरज चौहान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो जो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उस पर जो थी, और जो आज का जो टॉपिक है हमारा है कैपेसिटर बी डबल ई चैप्टर नंबर 2 का जो चैप्टर ही है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो आज उसके लिए उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे संधारित्र होता क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र और संधारित्र यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बोलते हैं हम धारिता, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं संधारित्र, उसके बाद हम जानेंगे कैपेसिटेंस। संधारित्र होता क्या है, ये कैसे बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है, आप अच्छे से समझेंगे और आपको समझाते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैपेसिटर कोई भी दो धातु प्लेटों जो किसी विद्युत रोधित परावैद्युत द्वारा अलग की गई हो संधारित्र बनाती हैं। यानी देखो ये है धातु प्लेट, ये दोनों जो है धातु प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है हमारा परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ सॉरी परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। संधारित्र क्या करता है, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित करने वाला एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। क्या कह रहा है, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला एब्जॉर्ब करने वाला एक ऐसा यंत्र है और तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित करने वाला। तो आइए आपको कैपेसिटर दिखाते हैं कैसा होता है। देखिए हमारे पास देखिए कैपेसिटर ये रहा, ये संधारित्र। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है संधारित्र कैसा होता होगा, हो सकता है ना ध्यान में बच्चे, जो ये फैन का कैपेसिटर है, जो फैन यूज होता है, ये 2.5 का है, माइक्रोफेरेड में नापा जाता है इसको संधारित्र को या कैपेसिटर को, ठीक है। ये फैन का है जो फैन में ऊपर लगा होता है वाइट सा, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जो कि ऊपर फैन में लगा होता है वाइट सा। आपने आपके घर में कभी फैन खुला होता आप ध्यान दीजिएगा, ये संधारित्र उसमें लगा होता है जो कि उसके फेज एंगल को क्रिएट करता है और पावर को इंक्रीज करता है। क्या बोला गया उसमें, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला था आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित करने वाला एक विद्युत यंत्र है, यह विद्युत की मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर एकत्रित करता। अब आप बताइए छोटी सतह है इसकी, इसमें एनर्जी को स्टोर करना बड़ी बात है कि नहीं, इसीलिए कहा गया है ये विद्युत की मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर एकत्रित करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता हमारा कैपेसिटर या संधारित्र। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए एसी परिपथों की शक्ति बढ़ाने का काम आता है। पहला यूज कहाँ है, यूजेज, या प्रयोग, ये लिखना जरूरी है, इसका प्रयोग एसी परिपथों, एसी परिपथों का शक्ति गुणांक, गुणांक सॉरी बढ़ाने में के काम आता है, बढ़ाने के काम आता है। इसको क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक को बोलते हैं पावर फैक्टर, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बढ़ाने के काम आता है। और दूसरा क्या हमारा है, दूसरा क्या यूज होता है, एसी ब्रिज सर्किट को संतुलित करने के लिए क्या होता है, एसी ब्रिज
सर्किट को संतुलित करने में ठीक है। और तीसरा जो यूज है परीक्षण उपयंत्रों में बेस आवेश के रूप में किया जाता है ठीक है। परीक्षण उपयंत्रों में परीक्षण उपयंत्रों में वैद्युत आवेश को आवेश के रूप में क्या किया जाता है, ऊर्जा संग्रह करने के लिए किया जाता है। क्या ऊर्जा को संग्रह करने के लिए तो ये थे हमारे यूजेज, आप ध्यान से देख लीजिए आपको दिख रहे होंगे। कोई भी दो या दो धातु प्लेटों के बीच किसी भी विद्युतरोधी पदार्थ को, ये विद्युतरोधी पदार्थ है जैसे कि माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसे ही कुचालक पदार्थ होता है उसको बीच में रख दिया जाता है। अगर हम जब बैटरी से करंट को फ्लो कराते हैं तो जो मेटल प्लेट्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और पावर को स्टोर कर लेती हैं जिसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, रुके रहिए। तो आइए हम देखते हैं संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटर की धारिता। धारिता सबसे ही हमें मालूम चल रहा है धारण करने की क्षमता, यानी क्या कहते हैं धारिता, धारण करना, यानी इसमें वस्त्र धारण किया है उसी तरह इसमें आवेश धारण करने की क्षमता कहलाती है। देखिए जानते हैं कि क्या होता है कैपेसिटेंस ठीक है। धारिता क्या होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता की मांग होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के समानुपाती बढ़ता जाता है। किसी चालक में क्यू आवाज देने पर उसमें भी वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है, जो धारिता होती है किसी चालक यानी मेटल, देखिए ये हमारा चालक है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चालकों पे जब हम वोल्टेज जो देंगे विभव जो हमारा होगा वो जो फ्लो हो रहा है तो जो प्लेटें हैं वो चार्ज को अब्जॉर्ब करती हैं यानी कि अवशोषित करती हैं या ग्रहण करती हैं, तो वही क्या कर रहा था हमारा धारिता। और जो इसकी कैपेसिटी है कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं इतना, हम दो रोटी खाते हैं उसी हिसाब से इसकी कोई कैपेसिटी होगी, उसको क्या करते हैं बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो फैराड में, फैराड होती है इसकी इकाई ठीक है। तो ये आवेश जो है ये ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है धारिता। तो देखिए क्या हम बोल देंगे, आइए देखिए क्या बोला इसमें, देखिए जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के समानुपाती हो, क्या होता है वैद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है। मान लीजिए क्यू आवेश है समानुपाती, वी वैद्युत विभव के समानुपाती हो गया ठीक है। तो अब मानिए ठीक है अब दे दिए, अब इसमें धारिता क्या है, धारिता को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी ठीक है। सी जो हमारा कॉन्स्टेंट है, क्या है धारिता है कॉन्स्टेंट है, कि ये धारिता जो होती है किसी भी प्लेट की होती है कि ये इतना ही अब्जॉर्ब कर पाएगा वो क्या कहलाती है इसकी क्या धारिता ठीक है। तो देखिए सी की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर लेंगे, सी को जाने जाएंगे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, और हमने जैसा कि पढ़ा है कि क्यू और वी समानुपाती होते हैं, यदि इसको 2Q कर दे तो ये भी 2V हो जाएगा ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ये ना सोचिएगा कि ऊपर नीचे हो गए तो कैपेसिटेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, नहीं ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं ठीक है। तो ये थी धारिता,
जिसमें देखिए फैराड, इसको माप, फैराड इसकी इकाई है, हिंदी में देखो फैराड, ठीक है। और इसमें सी क्या है, धारिता है, क्यू जो है आवेश है, वी जो है वोल्टेज है, या विभव, ठीक है। तो देख लीजिए यही होती है धारिता। ये एग्जाम ऑफ पेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, जिससे आप इनको ध्यान से समझ, जो मैंने समझाया है उसी को एक बार नहीं, आप दो बार देखिए वीडियो को और समझिए कहना क्या चाहता है, और उसके बाद एग्जाम में आप आसानी से लिख आएंगे और इस क्वेश्चन को कर आएंगे। तो मिलते हैं फिर, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर टॉपिक हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज टेक पॉइंट। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।